कहते हैं ना कि अगर आप में हुनर है तो सफलता हर हाल में मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु के कंप्यूटर की रहने वाली स्मृति एस के साथ भी। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जिनके कामों की कहानी आप में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर है आप सबके बीच में। स्मृति एस महज 22 साल की है और टेराकोटा ज्वेलरी सहित कई तरह के डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है और वह इन प्रोडक्ट को पूरे देश के साथ साथ दुनिया के 9 अन्य देशों में भी भेज रही है। स्मृति ने बहुत छोटी सी उम्र में टेराकोटा ज्वेलरी बनाने की शुरुआत की थी। उनकी अन्य आर्ट और क्राफ्ट में हमेशा से रुचि रही है। स्मृति बताती है कि बचपन में मैं गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ना कुछ नया सीखती थी। साल 2015 में गर्मी की छुट्टियों में ही मैंने टेराकोट ज्वेलरी बनाना सीखा था, जिसके बाद मुझे इस काम में बहुत मजा आने लगा। मैंने अपने दोस्तों को टेराकोटा ज्वेलरी बनाकर ट्रॉफी में देना शुरू किया। स्मृति इस काम में इतनी माहिर थी कि जिन जिन लोगों को भी वह अपनी बनाई हुई ज्वेलरी ट्रॉफी में देती, सभी उनकी खूब तारीफ करते थे। तभी उन्होंने लगा कि क्यों ना इसे बिजनेस बनाया जाए। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्हें इस काम को बिजनेस बनाने का ख्याल आ गया था। इसके बाद उन्होंने टेराकोटा के झुमके बनाकर अपने घर के पास ही एक क्राफ्ट दुकान पर रखा। तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनके बनाए झुमके 50 रुपए में बिक गए। स्मृति के जीवन की पहली कमाई 50 रुपए थी। हालांकि तब भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी हॉबी इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। स्मृति ने 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया पर भी मार्केटिंग करने लगी। शुरुआत में जब उन्होंने अपनी हॉबी को काम बनाने का फैसला किया, तब उनके पिता ने उनकी पढ़ाई को लेकर भी चिंता जताई, लेकिन स्मृति ने अपने काम के साथ साथ पढ़ाई को बेखूबी संभाला है। स्मृति कहती है कि यूं तो बाजार में कई तरह की टेराकोटा ज्वेलरी मिलती है, लेकिन हमारे डिजाइन पारंपरिक आभूषण से प्रेरित है। हम भारत सहित विदेशी संस्कृति से भी प्रेरणा लेते हैं। यहाँ तक कि पुरानी मूर्तियों और मंदिरों में बने डिजाइन भी हम अपनी ज्वेलरी में बनाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग तरह के पत्थरों से भी टेराकोटा के आभूषण बनाए हैं, जो शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं। स्मृति चीजें बनाने के लिए तमिलनाडु के ईरोड से बढ़िया क्वालिटी के क्ले मंगवाती है। साल 2020 में उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सिंगापुर से एक बल्क मॉडल ऑर्डर मिला था, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर से कई और ऑर्डर मिले। उन्होंने बताया कि बिना किसी प्रमोशन के सिर्फ उनके काम को पसंद करके लोग उन्हें ऑर्डर देते हैं। मिट्टी से बने होने की वजह से इन प्रोडक्ट विदेश तक भेजना भी एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, लेकिन स्मृति अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर विशेष ध्यान देती है और अपने ग्राहकों को भी उसके रखरखाव के बारे में समझाती है। स्मृति फिलहाल बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है और शिखा कलेक्शन के जरिए वह हर महीने तकरीबन 30,000 रुपए कमा रही है। वहीं वह आने वाले समय में अपने बिजनेस को टेराकोटा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, जहां उनके जैसे कई टेराकोट आर्टिस्ट अपने प्रोडक्ट बेच सके। स्मृति अपने बिजनेस शिखा क्रिएशन के जरिए 13 लोगों को रोजगार दे रही है। वहीं उन्होंने अब तक तकरीबन 200 लोगों को टेराकोटा झुमकी बनाने की ट्रेनिंग दी, जिससे 40 से ज्यादा लोग आज खुद का बिजनेस चला रहे हैं। स्मृति खुद के सपनों के साथ ही बाकी लोगों को भी साथ लेकर चल रही है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।